अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। आज की रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चिल्ली। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो बोनलेस चिकन ली, उसमें 1-2 हड्डी भी होगा और मैंने इसको छोटा पीस कर ली। फिर मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और विनेगर 1 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, आधा कप कॉर्नफ्लोर आटा और आधा कप मैदा ली हूँ, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ फूड कलर के लिए और 2 अंडे ली हूँ मैं। 2 अंडे को फोड़ के मैंने इसको अच्छे से, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट हो, जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम इसको रेस्ट होने के लिए दे देंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें 1-1 करके फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा मत डालिएगा, जितना मैंने बोली बस उतने ही, तो बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हमारा फ्राई हो चुका है। इसको अच्छे से अलट पलट लेती हूँ और इसको 2 मिनट के लिए और फ्राई होने के लिए दे देती हूँ। आप इसको फास्ट में ही फ्राई करिएगा, बोनलेस से बहुत अच्छे से गल चुका था। तो ये देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह 1-1 करके मैंने सारा फ्राई कर लेती हूँ। मैंने इसी तरह सब निकाल ली और फिर मैंने दोबारा दी और इसको भी फ्राई हो चुका है, मैंने इसको भी अभी निकाल ली। फिर मैंने 1 कढ़ाई ली, उसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डाली, इसमें अदरक और लहसुन को चॉप करके रखी थी वो डाल दी हूँ और इसको 2 मिनट तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। उसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का ब्राउन 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका ये निकल जाए। तो ये देखिए हमारा ये अदरक लहसुन का जो चॉप किया हुआ डाली हूँ वो ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें हम लोग शिमला मिर्च डाल देंगे, इसको हम लोग 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और इसको बड़े बड़े हिस्से में ही कट करके डालना है, ताकि इसके गलम में चॉप करके बड़े हिस्से में ही कट करके डाल रही हूँ। फिर प्याज को भी, 1 प्याज ली हूँ और 1 शिमला मिर्च ली है। पहले 1 मिनट के लिए शिमला मिर्च को भून लेंगे, इसके बाद प्याज को 1 मिनट के लिए भूनेंगे। इसके बाद 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर डाल के इसको फिर से हम लोग भूनेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें नमक डालेंगे, सोया सॉस में नमक होता है तो आप थोड़ा कम डालिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर 2 चम्मच टमाटो केचप और 2 चम्मच सेजवन चटनी डाल के और कप में मिक्स कर ली हूँ, वही मैंने मिक्स करी हूँ। अभी इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, देखिए बॉईल आ चुका है। अभी हम लोग इसमें चिकन ऐड कर देंगे, चिकन बहुत जूसी बना था। अभी हम लोग चिकन को क्या करेंगे, 2-3 से 4 मिनट तक स्लो में अच्छे से भूनने देंगे ताकि इसमें जो भी पूरा। तो फाइनली मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक भूनी, भूनने के बाद इसको हम लोग बगे इसको बंद कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको भून लेंगे ताकि चिकन में जो इसका मसाला है ना वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर दिख रहा है और कितना अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है। इसके बाद मैं उसको गार्निश कर दूंगी अनियन है ना उसके लेप से। इसके बाद इसको भी मिक्स कर लूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा, मेरा रेसिपी अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आप सबको। तो फाइनली